नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासन देवधर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएससीसी फर्स्ट ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। यूनिट आपकी सेकेंड है भाषा की प्रकृति एवं स्वरूप, और टॉपिक है वाक्य के भेद अथवा प्रकार, यानी कि वाक्य के किस प्रकार के भेद हैं या वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपके रीड के लिए भी पॉसिबल है। तो देखिएगा कि वाक्य के तीन भेद होते हैं, वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के अभाव के आधार पर वाक्य के भेद और वाक्य के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम पढ़ेंगे इसमें रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी रचना के आधार पर वाक्य के भेद किस प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार के भेद होते हैं, सरल वाक्य मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये तीन वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पर, सरल, संयुक्त और मिश्रित, तीन प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो देखिएगा सरल वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार के भेद होते हैं, तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधि होता है, यानी कि एक ही कर्ता और एक ही कर्म होता है। तो जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो राम है वो एक ही विधेय है, एक ही उद्देश्य है, यानी कि उद्देश्य एक ही है और मारा, तो ये एक ही विधेय, यानी कि कर्ता एक है और कर्म को करने वाला भी एक ही है, यानी कि राम ही रावण को मार रहा है तो कर्ता ही कर्म को कर रहा है। तो जिन वाक्यों में एक ही विधेय, एक ही उद्देश्य और एक ही विधि होता है वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये जो उद्देश्य है ये राम है, राम उद्देश्य, यानी कि राम के विषय में बताया जा रहा है, राम कर्ता है और कर्ता के बारे में बताया जा रहा है। मारा यानी कि कर्म के विषय में, उद्देश्य के विषय में जो कर्म किया है उद्देश्य ने, उस कर्म के विषय में बताया जा रहा है। तो इस वाक्य में एक ही कर्ता राम और एक ही क्रिया मारा है, यानी कि एक ही कर्ता है राम और क्रिया को करने वाला भी कौन है, राम। तो एक ही कर्ता, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण तथा दूसरा वाक्य उसके अधीन या आश्रित हो। ऐसा वाक्य जिसमें एक तो साधारण वाक्य होता है और दूसरा ऐसा वाक्य जो उसके अधीन हो, पहले वाक्य के अधीन हो या उसके आश्रित हो, दूसरा वाक्य उसके अधीन या आश्रित हो, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने उससे कहा कि वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसमें मैंने उससे कहा प्रधान उपवाक्य, यानी मैंने उससे कहा, ये कौन सा उपवाक्य है, ये प्रधान उपवाक्य है, मैंने उससे कहा ये प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा वाक्य वह अच्छा व्यक्ति नहीं है, यह आश्रित उपवाक्य है, और दोनों वाक्य समुच्चय बोधक अवयव है, जो कि से जुड़े हुए हैं, अर्थात मिश्रित वाक्यों की पहचान की परंतु तथा इनसे हो सकती है। यानी कि मिश्रित वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें एक तो साधारण वाक्य होता है और दूसरा उसके अधीन आश्रित वाक्य होता है, और आश्रित वाक्य जो होता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और प्रधान उपवाक्य मैंने उससे कहा कि ये इसका प्रधान उपवाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य इसमें होता है। और ये जो मिश्रित वाक्य होते हैं वह किंतु, परंतु, तथा यद्यपि से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपका सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये दो वाक्य कंप्लीट हुए। नेक्स्ट तीसरा प्रकार संयुक्त वाक्य का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।